नमस्कार, मैं नीति सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीपुर थाने में। अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने आज सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी हरियाणा की शराब लेकर दिल्ली में दाखिल हुआ था, जिसके चलते गुप्त सूचना के आधार पर अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने इस आरोपी को इलाके से ही गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से कई पेटियाँ भी बरामद कर ली गई हैं। साथ ही आरोपी के ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज बताए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उजैन के पास चलते हैं। हरियाणा से हो रही अवैध शराब तस्करी को लेकर दिल्ली पुलिस सक्रिय है। इसी को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने आज सुबह हमीदपुर बकोली रोड से एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हरियाणा की अवैध शराब की करीब 100 पेटियां बरामद की गई हैं। आरोपी हरियाणा की शराब की तस्करी यमुना पार कर रहा था, जिसको लेकर अलीपुर थाना पुलिस को एक टिप मिली थी, जिसके लेकर कांस्टेबल केदार वे हेड कांस्टेबल दिनेश वे उनकी टीम को सूचना मिली थी कि जाटी के रास्ते हमीदपुर होते हुए एक आरोपी यमुना पार शराब लेकर जाने वाला है, जिसके पास भारी मात्रा में हरियाणा की अवैध शराब है। उसी को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने हमीदपुर बकोली रोड पर ट्रैप लगाया और आरोपी को अशोक लीलैंड गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से करीब हरियाणा के अवैध शराब की 100 पेटियां बरामद की गई हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो एक्साइज एक्ट के तहत ही दर्ज हैं। आरोपी लगातार दिल्ली में हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी करता था। उसी को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली के DCP विजेंद्र कुमार यादव ने भी जिले के सभी थानों को अवैध शराब की तस्करी को लेकर अलर्ट कर रखा है। उसी को लेकर आज अलीपुर थाना पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है और अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने इस आरोपी को हरियाणा की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।